जो शब्दों का अंकों में लिखना और अंकों का शब्दों में लिखना सीखा था, ये थाउजेंड तक की संख्याओं का शब्दों का अंकों में लिखना सीखेंगे। इसको ये थाउजेंड, हंड्रेड, टेन, यूनिट, यूनिट क्या होता है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद क्या आता है? ये कॉमा आता है। ये इकाई का मैं लिख रही हूँ, फिर आता है दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर ये आता है कॉमा और उसके बाद ये आता है हजार। हजार का है लिखा ये हजार, लिखा तो ये सैकड़ा, जैसे दहाई और इसे इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर ये आता है कॉमा। तो आज हम ये जो शब्दों में लिखा है इनको अंकों में लिखेंगे। ये शब्द और अंक एक दो तीन जो ये वन टू थ्री जो होते हैं वो अंक होते हैं, इनको लिखेंगे। तो क्या लिखा है? तीन हजार। हजार पे क्या लिखा है? तीन। हजार के स्थान पे हमें क्या लिखना है? तीन लिखना है, तीन में थ्री। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। देखो बच्चों वापस से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितने अंक हुए? एक, दो, तीन, चार। हमें चार अंकों पर संख्या पूरी लिखनी है, तो ये तीन हजार। तो हजार के स्थान पर हमें क्या लिखना है? तीन। तो ये हमने लिख दिए तीन हजार। फिर आगे चलो, नौ सौ। सौ में सैकड़ा में सौ होता है, तो सैकड़े के स्थान पर हमें क्या लिखना है? नौ। ये देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार पे हमने ये तीन लिख दिया, ये हजार पे हमने ये तीन लिख दिया। और फिर नौ सौ, सैकड़ा मीन्स होता है सौ, तो सैकड़े पे क्या आएगा? नौ। और फिर बत्तीस, बत्तीस किस लाइन में आता है? तीस की लाइन में, तो तीस के बाद इकतीस, बत्तीस कितना होता है? थर्टी टू। ये देखिए बत्तीस लिखेंगे इकाई और दहाई पे, तो ये बत्तीस, ये हो गया तीन हजार नौ सौ बत्तीस। हजार पे हमें, हजार के स्थान पे तीन लिखना था, तो ये तीन हजार नौ सौ, सैकड़ा मीन्स होता है सौ, ये 900 और फिर ये 32, तो ये हो गया 32। तो हम लिखेंगे ये 3000, सैकड़े पे ये हमने लिखा 900, फिर ये 32 कॉमा लगाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा के लिए कॉमा। 5000, हजार के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 5, तो ये हमने लिख लिया 5000। हजार के बाद ही यहाँ कॉमा आता है, ये हो गया 5000। आगे बढ़िए 700, तो सैकड़े पे हमें क्या लिखना है? 7, तो ये हमने लिख लिया सैकड़े पे ये 7, ये 700। और फिर क्या लिखना है? 25, दहाई दहाई पे हमें क्या लिखना है? 25, कितना होता है 25? 25, ये हो गया 25। 5000, 700, 25, इसको देखो आपको ऐसे चेक करने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये कॉमा और ये हजार। तो हजार पे 5 लिखा तो ये हो गया 5000, सैकड़े पे 7 लिखा तो 700 और फिर ये 25। ऐसे आपको ये चेक करने वापस, ये देखिए 9000, हजार के स्थान पर हमें क्या लिखना? 9, तो ये मैंने लिख दिया 9000। फिर ये 300, तो सैकड़े पे हमें क्या लिखना है? 3, ये मैंने लिखा 300। और फिर है 38, 38 किस लाइन में आता है? 30 की लाइन में, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, तो कितना आता है? 38, ये लिख लिया 38। इसको चेक करेंगे ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा और फिर ये हजार। हजार पे नौ लिखा तो ये 9338। इसके आगे चलिए 8000, हजार के स्थान पर हमें क्या लिखना है? 8, तो ये हमने लिख लिया हजार के स्थान पे ये 8, ये हो गया 8000। अब क्या लिखना है? 45, कितने अंकों पे लिखना है? इकाई, दहाई और सैकड़ा, फिर ये हजार आता है, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसके कितने अंक है? तीन अंक, तो हमें तीन अंक पे ये क्या लिखना है? 45, ये 8000, हजार पे हमने ये 8 लिख लिया। अब है 45, सैकड़े का यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, तो सैकड़े पे कुछ नहीं और फिर ये 45 लिखना है, तो ये
इसके आगे देखिए 6000, हजार के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 6, ये हो गया 6000। और फिर एक, सीधा क्या लिखना है, एक, 6000 हो गया, हजार के स्थान पर हमने 6 लिख लिया। और कितने अंक बचे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसके 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके 3 अंक पे हमें क्या लिखना है, ये एक। तो देखो बच्चों, 3 अंक पे इकाई, दहाई और सैकड़े के 3 अंक बचे, ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो गया, 100 हो गया, ये एक नहीं, ये क्या हो गया, 100। इसको कैसे लिखेंगे, ये इस तरह लिखना, तो ये हो गए 10, क्योंकि इसके पहले 0 थे, 10 हो गया। तो 3 अंकों पे इकाई, दहाई, सैकड़े, 3 अंक पे हमें लिखना ए, तो सैकड़े पे 0 और दहाई पे भी क्या आएगा, 0, और फिर आएगा ये ए, क्योंकि किसी संख्या के आगे कितने भी जीरो होते हैं उसका कोई मान नहीं होता है। अब जैसे एक के आगे, एक के पहले ये 2 जीरो है, तो इसका इन जीरो का कोई मान नहीं है और ये एक ही होगा। तो हमें 3 अंकों पे एक लिखना है, कैसे लिखेंगे, पहले 2 जीरो और फिर एक, तो ये पहले 2 जीरो, सैकड़े पे और दहाई पे 0 और फिर ये एक, तो ये हो गया 6001। इसको ऐसे नहीं लिखना कि ये 6000 और फिर ए, ये क्या हो गया, 61, ये 6000 ये नहीं। इसके आगे देखिए 2804, तो हजार के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 2, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हजार के स्थान पर मैंने लिख दिया ये 2, ये हो गया 2000। अब फिर देखो 800, सैकड़े पे हमें क्या लिखना है, 8, ये सैकड़े के स्थान पे हमने लिख दिया 800। अब क्या लिखना है, 4, कितने अंक बचे, इकाई और दहाई के 2 अंक बचे, 2 अंक पे हमें क्या लिखना है, 4, कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो गया, 40, तो 2 अंकों पे 4 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले 0 और फिर ये 4, तो ये लिखा 0, ये 4, तो ये हो गए, चेक करो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 2000, सैकड़े पे 8 है तो 800, फिर ये 4, इसको ऐसे भी लिखना, 2800, ये 4, 2804 नहीं है, 200, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे 2 आते हैं, 200 हो गए, और फिर ये 84 हो गए। हजार के स्थान पे क्या लिखना है, ए, ये हो गया 1000।
9000।